Dear students, today we will study our social study of class first. Okay, dear synthesis of class, first in this uh, student, we have studied our lesson number three that is, my family. In this chapter, we studied our about family uh, that. Uh, mother, father and children living together make a family and we studied the types of families that is a small family, big family and a joint family that is also called a large family. okay, dear students. so now we will do uh, our exercise. answer the following questions orally. we did it. what is a family? how many members are there in our family? okay. now we will do question number b. दैट इज़ सेलेक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑपन ओके हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है ओके नंबर वन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ रहता है दैट इज़ ए फैमिली बी सोसाइटी सी स्टाफ तो फैमिली परिवार होता है जो एक साथ रहता है नंबर बी सोसाइटी है सोसाइटी तो सोसाइटी uh, का मतलब अलग अलग घर एक जगह में रहने वाले अलग अलग घर ठीक है और स्टाफ जैसे हमारा स्टाफ यानी कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जो काम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ स्टाफ ठीक है तो इसमें से हमारा कौन साऑप्शन सही है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर कि लोगों का समूह ठीक है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर जो कि एक साथ रहता है रहना है ठीक है काम करना नहीं है रहना है वो क्या है हमारा नंबर ए फैमिली ओके नेक्स्ट इज़ अवर द चिल्ड्रन ऑफ अवर अंकल्स एंड आंट्स आर अवर द चिल्ड्रन ऑफ़ अवर अंकल्स चाचा और चाची के बच्चों को क्या कहते हैं ऑप्शन ए पेरेंट्स ऑप्शन बी ग्रैंड पेरेंट्स और ऑप्शन सी कजन्स तो हमारे चाचा और चाची के जो बच्चे होंगे उनको हम क्या कहेंगे पेरेंट्स माता पिता होते हैं ग्रैंड पेपर पेरेंट्स हमारे दादा दादी होते हैं और कजन्स मीन्स चचेरे ममेरे भाई ठीक है तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे नेक्स्ट इज़ अवर अ फैमिली विथ मोर देन थ्री चिल्ड्रन इज़ द दिस टाइप ऑफ फैमिली एक फैमिली जिसमें मोर देन थ्री चिल्ड्रन कि जिसमें तीन बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे ठीक है तो स्टूडेंट हमने अपने चैप्टर में रीड किया है आ, दैट स्मॉल फैमिली क्या है? One है, है? होती है जिसमें वन और टू चिल्ड्रन होते हैं ठीक है बिग फैमिली होती है जिसमें टू चिल्ड्रन से ज़्यादा होते हैं और जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं अंकल और आंट भी होते हैं और हमारे उनके उनके चिल्ड्रन यानी हमारे कजनस भी होते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं तो हमारे जो तीन ऑप्शन है इसमें ए बिग बी स्मॉल और सी जॉइंट इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिग फैमिली ठीक है बिग फैमिली होती है जिसमें मोर देन थ्री चिल्ड्रन होते हैं जिसमें तीन बच्चों से ज़्यादा होते हैं ठीक है स्मॉल फैमिली में एक या दो बच्चे होते हैं और जॉइंट फैमिली मैंने आपको बता दिया जिसमें हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए बिग ओके नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज़ वैन आई कॉल माई फैमिली मेम्बर्स ठीक है so A, okay? next is, next is, members, मैं अपने फैमिली मेबर्स को पुकारता हूँ जब तो क्या जब मैं पुकारता हूँ तो क्या पुकारता हूँ नंबर वन आई कॉल माई मदर तो मम्मी को मदर को हम क्या कहते हैं मम्मी ठीक है सभी हम मम्मी ही कहते हैं ठीक है सो आई रिटर्न योर मम्मी नेक्स्ट इज अवर नंबर टू आई कॉल माई फादर आई कॉल माई फादर तो फादर को क्या कहते हैं हम पापा जी ठीक है पापा जी कहते हैं कोई कोई ओनली पापा ही कहते हैं सो so, uh, हम क्योंकि रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए हम जी लगाते हैं ओके नेक्स्ट इज अवर नंबर थ्री आई कॉल माई ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं हम दादी जी ओके एंड नंबर फोर आई कॉल माई ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं हम दादा जी ओके सो ये हम जो उनको पुकारते हैं वो हम लिख रहे हैं ठीक है कोई प्यार से दादा दादू कुछ भी कहते हैं ना तो वो आप आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से ओके नेक्स्ट इज अवर सेक्शन टू दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स ओके दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरो ठीक है यानी जो ब्लैंक होंगे यानी खाली जगह होगी उसको हमें फिलअप करना है ओके okay. सो so, uh... नंबर ए नंबर वन अ डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर डियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन फैमिली क्योंकि इसमें आंसर फैमिली ही आएगा क्योंकि पूछा गया है हमसे अ डैश डैश में क्या आएगा फैमिली आएगा इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर कि फैमिली जो है एक ग्रुप पीपल का क्या है ग्रुप है लोगों का ग्रुप है समूह है हु लिव टुगेदर जो कि एक साथ रहते हैं एक छत के नीचे रहते हैं ठीक है तो एक छत के नीचे जब कुछ लोग कह रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फैमिली ठीक है family, एक छत के नीचे एक साथ जो लोग रहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा सम फैमिलीज़ आर डैश एंड वाइल्ड सम फैमिलीज़ आर डैश कि कुछ फैमिली डैश होती है और कुछ फैमिली डैश होती है कि मतलब कुछ परिवार हमारे किस प्रकार के होते हैं और कुछ किस प्रकार के होते हैं ये पूछा गया तो हमारा आंसर है सम फैमिलीज़ आर स्मॉल कुछ फैमिलीज छोटी होती हैं वाइल्ड सम फैमिलीज़ आर बिग जबकि कुछ फैमिलीज़ क्या होती है बड़ी होती है बिग मीन्स बड़ा ठीक है नेक्स्ट है हमारा आरोशीज फैमिली इज़ अ डैश फैमिली नंबर थ्री कि आरुषि की फैमिली डैश फैमिली है तो हमने यहाँ पे बिग लिखा है क्योंकि चैप्टर में हमें आरुषि की फैमिली के बारे में बताया गया है और आरुषि की फैमिली जो चैप्टर में क्या थी बिग फैमिली थी ठीक है नेक्स्ट है हमारा नंबर फोर अ डैश फैमिली हैज़ अ मदर अ फादर एंड वन और टू चिल्ड्रन तो हमने हमने स्टडी किया है इस चैप्टर में कि कौन सी फैमिली है जिसमें अ मदर अ फादर और वन और टू चिल्ड्रन होते हैं वो स्मॉल फैमिली है ठीक है थीके? जिसमें मम्मी पापा एक या दो बच्चे ही होते हैं सिर्फ ठीक है दो से ज़्यादा होते हैं तो वो बिग फैमिली हो जाती है ठीक है तो कौन सी फैमिली है जिसमें एक माता एक पिता और एक या दो बच्चे होंगे स्मॉल फैमिली ठीक है तो हमारा नंबर फोर में आएगा स्मॉल और नंबर फाइव है अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो अ ज्वाइंट फैमिली को क्या कहते हैं हमने स्टडी किया है जॉइंट फैमिली को लार्ज फैमिली भी कहते हैं सो आवर नंबर फाइव ब्लैंक इज लार्ज ओके सो स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट यूर नॉट बुक आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू विल डू इट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके थैंक